इस ट्यूटोरियल में देखेंगे हम कि जावा प्रोग्राम को रन कैसे करते हैं। सबसे पहले देखेंगे जावा को रन करना, जावा exe फाइल को रन करके देखेंगे। इसके अंदर हम वैसे मैंने अपने सिस्टम के अंदर ऑलरेडी रन की हुई है, तो कुछ स्टेप्स आपको दिखाने के लिए रन करके देखते हैं। जावा दो तीन सेटअप है, 32 बिट या 64 बिट, आप इनटू योर सिस्टम और इस ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अगर आपका 32 बिट है तो 32 बिट के लिए ये ASIC वाला करेंगे, और 34 बिट के लिए ये हम यूज़ करेंगे, क्योंकि मेरे सिस्टम में जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो 34 बिट का है। ये भी बता देता हूँ कि 34 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम चेक कैसे करते हैं। कंप्यूटर पे जाकर राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज़ पर जाएंगे, एंड यहाँ पर हमारा इशू हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, 32 बिट है या 64 बिट है। तो मेरा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है यहाँ 64 बिट का है, डबल क्लिक करके रन कर लेंगे इस पर। ये हमारा बॉक्स आएगा, बॉक्स इसमें येस और नो का ऑप्शन आएगा, इस पर येस क्लिक करना है। एक्चुअली मैंने ऑलरेडी पहले से इंस्टॉल किया हुआ था, रिमूव का ऑप्शन इसे दिखा रहा है कि पहले पहला रिमूव करेगा फिर न्यू इंस्टॉल करेगा। तो मुझे भी रिमूव नहीं करना पहला, तो मैं इसे आगे जाके रोक लूँगा, लेकिन जो तरीका है वो इसी तरीके से हम यूज़ करेंगे आगे चल के इसको। इट विल टेक अ फ्यू सेकेंड। इस तरीके से ऑपरेशन हमारा एक आएगा ऑप्शन जावा का नेक्स्ट पे क्लिक करने के लिए, जो इस पर नेक्स्ट लेंगे एक दो ऑप्शन और आएंगे उसको क्लिक करने के लिए, तब फाइनल का ऑप्शन देगा। पर अभी मुझे अपना ये नहीं करना, मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल हुआ हुआ है, तो मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ। तो इस तरीके से देंगे, अगर हमें 32 बिट का करना हो 32 बिट का ही है सेटअप, मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूँगा। ये मेरा पुराना वर्जन है 8.1 समथिंग या 8 होगा, लेटेस्ट वर्जन अब 17 तक की या मोर देन 17 जावा के अपडेट्स आ चुके हैं, तो अगर उसे कोई अपडेट करना चाहे तो वो कर सकता है। इसमें हम आगे चल करते हैं कि प्रोग्राम रन करने के लिए एक हमारा टेक्स्ट पैड यूज़ करते हैं जावा के अंदर। इसमें आगे चल के देखेंगे हम नेट बीन सैम वगैरह। इंग्लिश ट्यूटोरियल विल सी फर्स्ट प्रोग्राम ऑफ जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फर्स्ट ऑफ ऑल वी क्रिएट द क्लास,
मतलब एक सिंपल वे है जो हम बात की, कुछ लोग समझते हैं क्लास कुछ अलग चीज़ है, किस तरीके से डिफाइन होगी, किस तरीके से इसका यूज करेगा। क्लास सिंपल तरीके से बहुत ईजीली होते हैं। जावा वैसे मोस्टली बोलते हैं डिफाइन लैंग्वेज, तो बट जब यूज़ करते हैं तो इंजॉय करते हैं इसे, बड़ा मज़ा आता है, मुझे तो आता है। आप लोग भी देखना चल इसके प्रोग्रामिंग बहुत अच्छे बने होंगे, इंजॉय करेंगे इन सब चीज़ें। तो क्लास लेते हैं, कोई भी क्लास बनानी मैंने जैसे लाइक P1 के नाम से मैंने क्लास बनानी, क्लास के सबसे पहले इसके अंदर मैंने कहा पब्लिक स्टैटिक वॉइड एक प्रोग्राम बना लेते हैं सिंपल सा, हेलो का हेलो करने के लिए सिस्टम नॉट आउट नॉट प्रिंटर। फर्स्ट ऑफ ऑल सेव कर लेते हैं इसे प्रोग्राम को। हम इसे सेव करने में एक चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, क्या कि इसका एक्सटेंशन जो है क्लास नेम का एक्सटेंशन से मैच करता हो जाना पड़ेगा, सेम होना चाहिए, तभी हम इसे टाइट यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज भी इसे कंपाइल के थ्रू यूज़ करना पड़ेगा, CMD कमांड के थ्रू जो हम करते हैं मोस्टली, वो एक बहुत पुराना मेथड है, बट नाउ डेज वी आर यूजिंग दिस टेक्सपैड एंड मोस्टली एडवांस फीचर्स, सो इसे रन करना कंपाइल करना ईजीली होता है। इसे जो हम करेंगे कंपाइल और रन, तो इसमें भी देखेंगे अभी, तो इसमें क्लास नेम और एक्सटेंशन नेम सेम होना चाहिए। जैसे क्लास P1 लिया हमने, ऐसे ही यहाँ पर एक्सटेंशन हम सेव करेंगे P1.java। हमें ठीक है, तो इस टेक्सपैड का एक स्पेशली फीचर्स ये भी है कि ये हर स्ट्रिंग को हर फंक्शनलिटी को अलग अलग कलर्स में शो करता है, वर्क करना ईजीली हो जाता है। तो इसे कंपाइल करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल विल प्रेस Ctrl+1, Ctrl+1 प्रेस करेंगे तो इसमें देखेंगे हम प्रोग्राम रनिंग हाँ देर सम एरर्स ये, तो जानबूझ से कुछ एरर्स हम बीच बीच में लेके चलेंगे ताकि थोड़ा सी बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो ओके, एरर को रिजॉल्व कैसे करना है। ठीक है, ये इसे हम यहाँ लगाएंगे तब जाके कंपाइल, और बीच बीच में ऐसे एरर्स लेकर चलेंगे हम लोग और हैंड टू हैंड उन्हें रिजॉल्व करते चलेंगे। इन फ्यूचर हम सबको पता होगा कि इस एरर का यहाँ पे क्या सॉल्यूशन है हमारे पास। तो देखिए हमारा ये कंपाइल सक्सेसफुली हो चुका है। ठीक है, और इसे रन करने के लिए हम करेंगे Ctrl+2, Ctrl+2 रन करेंगे तो CMD कमांड में ये हमारा प्रोग्राम रन हो कर आया और इसकी आउटपुट आ गई हेलो। हमने यहाँ पे प्रिंट किया था System.out.print में हेलो। नॉर्मली हम यूज़ करते हैं सी लैंग्वेजेस के अंदर, लैंग्वेजेस के अंदर सी में यूज़ करते हैं प्रिंट टाइप वगैरह, तो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं System.out.print। LN का क्या यूज़ है इसे नेक्स्ट आगे ट्यूटोरियल में देखेंगे कि इसको क्या यूज़ करना है, किस तरीके से इसका यूज़ होगा। तो अभी इस फंक्शन प्रोग्राम के अंदर ये देखा हमने कि हमारा जो है प्रोग्राम किस तरीके से बनाना है, उसका एक एक्सटेंशन क्या यूज़ करना है, रन किस कंपाइल कैसे करना है, रन कैसे करना है, तो आउटपुट जो आई हमारी ये आ गई हेलो। तो इसमें हमारा एक ये भी देख लेते हैं, इसमें सबसे अच्छी बात एक ये है कि हम इसमें कॉपी पेस्ट का ऑप्शन बहुत अच्छा है, कॉपी पेस्ट कर सकते हैं Ctrl+C Ctrl+V करके कॉपी करते हैं। ठीक है, इसके अंदर हम किसी भी तरीके की टाइप वैल्यू स्ट्रिंग में पास कर सकते हैं। सभी सपोज मैंने कैपिटल लिया, अब मैं स्मॉल ले लेता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में हम स्ट्रिंग में कुछ और पास कर देते हैं लाइक 1 2 3, तो डबल कोट के अंदर हम जो भी चीज़ पास करेंगे ये डबल्स ये कॉलम्स हैं इसके अंदर जो